ऊपर से ऐसे काटते काटते हम पूरा उसको गंजा कर देते हैं। ये देखो मैंने बहुत सारा, तो मुझे इतना स्प्रेड करना नहीं आता है पर फिर भी हो गए। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। वाह वाह। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कम अगणिसा, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। और बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं बना रही हूँ सुबह सुबह छोले की सब्जी, बाहर की या फिर वैसे मतलब हम वो वाली सब्जियाँ खा करके ना बाहर की बोर हो गए थे, तो मैंने सोचा कल सामान आया था तो मैंने छोले भिगो दिए थे, तो अब उसी की बना रही हूँ। पहले बनाऊँगी इन सब के लिए, फिर बनाऊँगी मम्मी पापा के लिए बाद में। इन सब के लिए लहसुन प्याज की, तो उसके लिए लहसुन छील रही हूँ। हमारा पूरा लहसुन ना ख़राब हो गया है क्योंकि बहुत कम यूज़ करते हैं ना लहसुन प्याज। सब्जी बना है ना तब से यूज़ करने लगे हैं तो इतना मतलब यूज़ होता नहीं, तो पूरा ख़राब हो चुका है। इसमें से छांट छांट के कर रही हूँ मैं फटाफट। तो चलो शुरू करते हैं और आपको भी दिखाती हूँ मैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो लेट्स गो। कीड़ियाँ पड़ गई है, कीड़ियाँ पड़ गई है। ओहो, ये कह रही थी चीटियाँ हो रही है, बालूड़ी चीटियाँ हो रही है इसके अंदर। इसमें से क्या छाटू यार, समझ में नहीं आ रहा। पर से जल्दी जल्दी सुबह बनाना पड़ता है। तो ये मैंने छोले उबाल के रख लिए हैं, जिसमें मैंने पता है सारे जो गरम मसाले होते हैं ना स्पाइसेस, खड़े मसाले, वो सारे मैंने ऐसे ही डाल दिए थे जिससे अंदर तक मतलब पानी में भी हो जाता है, फिर इनको निकाल के फेंक दूंगी। वैसे क्या तेल में डालते हैं ना तो मुंह में आते अच्छा नहीं लगता। अब इसमें पेस्ट बनाऊंगी प्याज लहसुन और हरी मिर्च का। पहले थोड़े बहुत प्याज और हरी, ये है शिमला मिर्च, मैंने काट के ऐसे रख दी थी इसमें। अब ये तेल गर्म हो गया, इसमें मैंने कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता आजकल मैं पता है हर सब्जी में डालती हूँ। तो ये जो कड़ी पत्ता है मैं आजकल हर सब्जी में डालती हूँ, उससे बोलते हैं पत्ते पत्ते कौन डालता है ये सब्जी में। तो ये प्याज डाल देती हूँ। तो मैं एक आपको बाद में ना, आपको हंसी तो आएगी बट मेरा पता है जल्दी वो काटने का क्या बोलते हैं, हाँ हरा धनिया जो होता है ना वो जल्दी काटने का सीक्रेट बताती हूँ। तो चलो लेट्स गो, दिखाती हूँ आपको मैं। धनिया को ग्लास में डाल के रखती हूँ जिससे कई दिनों तक है ना फ्रेश रहता है। तो ये जो मतलब ऐसे रहता है ना पेड़ की जैसे, उसको ऊपर ऊपर से ना मैं ऐसे पकड़ के और यूँ काट लेती हूँ तो फटाफट कट जाता है। तो चलो मैं दिखाती हूँ, ये चाकू लिया मैंने और इसको एज इट इज़ ऐसे काट लेती हूँ पानी में, तो मतलब इजीली फटाफट 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 ना खूब सारा धनिया कट जाता है ना। एक एक अपन लीव काटते हैं ना तो ऊपर से ऐसे काटते काटते हम पूरा उसको गंजा कर देते हैं। तो ये देखो मैंने फटाफट इतना सारा धनिया काट भी लिया। हाँ मतलब बारीक बारीक तो नहीं कटता है बट हाँ हो जाता है फटाफट, जल्दी अगर करना है तो आपको। हाँ तो मेरा काम वाम हो गया, पोछा भी लगा लिया, बस बार बार की साफ सफाई रह गई है। अब दूध आ गया था, ये बहुत लेट लाए आज, सो गए थे जो उठ ही नहीं रहे थे, दोनों बाप बेटी को उठाया ज़बरदस्ती और दूध लेने के लिए भेजा मैंने। दूध गर्म करके फिर बाहर वापस साफ सफाई करने के लिए जाऊँगी। और आज सुरजीत बना जिद कर रहे थे कि उनकी डायबिटीज़ चेक करनी है, तो मैं उनकी डायबिटीज़ चेक कर रही थी। पहले उन्होंने बोला दूध बाद में गर्म करना, पहले मुझे चेक करो पापा की। क्या मैं हर हफ्ते डायबिटीज़ चेक करती हूँ क्योंकि पापा के डायबिटीज़ है इसलिए, तो घर में ला रखी है और कोई चेक नहीं करता। मैं यहाँ पे आके सीख चुकी हूँ डायबिटीज़ चेक करना, पापा के करती हूँ इसलिए आदत सी पड़ गई है चेक करने में। अब मैं नहाने के लिए जाऊंगी। नहाने से पहले मैं, मेरे क्या डैंड्रफ बहुत ज़्यादा ही हो गया, खुजली भी, बाल भी टूटने लगे, इसी चक्कर से आज मैं लगाऊंगी मेरे बालों पे दही, हल्का हल्का मसाज कर लूँगी जिससे डैंड्रफ भी नहीं होगा और बाल भी नहीं टूटते हैं। और दही अपने बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हाफ हफ्ते में एक बार या फिर दो बार लगा सकते हैं सर धो जब, तो इससे बाल की ग्रोथ भी अच्छी होती है, टूटते भी कम है, डैंड्रफ भी नहीं होता। तो मैं वो अभी बीच में मैंने बहुत दिनों से ना स्किप कर दिया था, मतलब लगाना भूल जाती थी, लगाती नहीं थी, जोर आने लग जाता था, मगर अब मैं वापस रेगुलर करने वाली हूँ क्योंकि मेरे बीच में बाल बहुत मतलब दही लगाने से बहुत सही हो गए थे बट आलस के चलते मैंने लगाना बंद कर दिया था, मेरे वापस वही बाल टूटने लग गए। तो इसलिए मैं आज इसे, मैंने सोचा है कि अब से वापस कंटिन्यू रखूँगी दही को, तो या तो हफ्ते में एक बार ही लगाऊँगी, मैं लगाऊँगी ज़रूर। तो चलो लगाते हैं दही। तो मैं इसे टिप्पे ले लेके सिर में लगा लूँगी, हाँ जैसे तेल की करते हैं वैसे ही दही लगा लूँगी।
पूरे सिर पे। बना कि थोड़ा क्या जी सोरा नहीं है तो मैं काला नमक डाल के नींबू पानी बना रही हूँ। तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, करूँगी पूजा पाठ जो कि मैं रेगुलरली करती हूँ भगवान की। कई बार क्या होता है कि टाइम ज़्यादा हो जाता है कि कहते हैं 12 बजे के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए भगवान की, फिर बोलते हैं ना कि राक्षस की पूजा होती है वो 12 बजे के बाद में, तो इसलिए टाइम होने वाला है तो मैं फटाफट मेरी भगवान की पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो मेरे बाल में मुझे अच्छा अच्छा फील हुआ, एकदम ऐसे लगा कंडीशनर लगाया हूँ। तो मैं पूजा कर लेती हूँ अब। तो बस अब पूजा पूजा करने के बाद मम्मी ने रीवा भाई को खाना खिला ही दिया था, अब उसको सुला दिया है, तैयारी वही कर रहे हैं। और अब मैं खाऊंगी खाना, बहुत तेज भूख लग रही है क्योंकि टाइम ही हो चुके हैं 12:30 बज गई, पूजा करते करते 12:30 बज ही गई थी, आधे घंटे से ज़्यादा लगता है, और 12 बजने वाले थे जब मैंने पूजा स्टार्ट की थी। तो अब खाना खा लेते हैं पहले, फिर इनके रोटी बनाने लग गई, तो चलो खाते हैं। तो क्या कर रहा है, जोत दे रही है सबको। रीवा जोत देना, जोत दो, जोत जोत कैसे देते हैं, ऐसे ओहो जे छी आराम, जे छी आराम, ऐसे जोत दे रही है। दाता को भी दिया हो, जाओ दाता को दिया हो, जोत दिया हो, ये देखना सबको जोत दे रही है सर। स्कूटी सिखाने के लिए लेके गए थे, वैसे मुझे आती है स्कूटी, भैया ने सिखाई थी, बट लहंगो वड्डी में मुझे और अकेले चलाई, मैंने किसी को पास में पीछे बैठाया नहीं है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। लहंगा ओढ़नी में कैसे चलाते हैं, एकदम से ब्रेक में लहंगा वैसे हो जाता है, तो इसे परफेक्ट नहीं आती है। घर से सुरजीत बना पिछली बार है ना, मेरे लिए तो ड्रायर भेजा था और एक ये भी भेजा था, स्ट्रेटनिंग करने का है, कर्ल करने का, पता नहीं क्या क्या है, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया इसको। मगर आज मैंने सोचा स्ट्रेट कर लेती हूँ बाल, रात को आप सोचोगे रात को कर रही है, पर टाइम अभी मिला है, इच्छा हो रही थी थोड़ा स्ट्रेट कर लूँ बालों को, तो मैं करती हूँ। तो मुझे इतना स्ट्रेट करना नहीं आता है, पर फिर भी हो गए, ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं सीधे सीधे बाल। तो ये इतने दिनों से मेरे पास पड़ा था, साल भर ही हो गया, मगर मैंने आज तक इसको यूज़ ही नहीं किया, बट आज मुझे एकदम से याद आया, मेरे बेड बॉक्स में रखा है तो क्यों ना मैं यूज़ करूँ। एक तो मतलब बिल्कुल ड्रायर है, मतलब एक है मेरे पास वो ड्रायर है, सिंपल सा ड्रायर है, और एक है जिसमें सारे ये पार्ट्स है जो मैंने आपको दिखाए थे, वो वाला ड्रायर मैं ओनली है ना सर्दियों में यूज़ करती हूँ बाल सुखाने के लिए, और आज यूज़ किया है मैंने इसको। राधे कर दो, राधे 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 राधे, फ्लाइंग किश भी कर दो ये बाल, ये देखना। अरे खाते कैसे, आइसक्रीम कैसे खाते बता दो, ऐसे खाते ऐसे करके दिखा दो, ऐसे भटकती रहती पूरे दिन भर, इसको तो घुमाते रहो बार बार, यही करते रहो पूरे दिन भर। तो ये देखो रीवा के टॉय से, रीवा नहीं खेल रही, रीवा के पापा खेल रहे हैं। रीवा तो क्या है, इसको उठा उठा के फेंक देती है और रीवा के पापा उनको जोड़ते रहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, बोले बचपन में तो खेले नहीं अभी खेल लेते हैं। तो ये देखो इन्होंने बना दी है गाड़ी। वाह 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 वाह,